समन के पैसे में एक और हिस्सेदार पैदा। बताओ यार, हमारा रकीब उसके घर तक पहुंच गया और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे। तो और क्या, तुम नहीं जानते मेरे फूफा को, वो बहुत चलाक इंसान है। वो कोई ऐसा चक्कर चलाएगा कि अम्मा अब शादी के लिए मान जाएंगे। मुझे ना तुझसे काम है। टू मच, क्या काम है दिलबर से? वो मेरी टूटी हुई मंगनी को फिर से जोड़ दे। क्या देख रही? अब सॉरी, कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूं, आई नो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आप इतने हैंडसम हैं, आपको ड्रेसिंग जरा डिफरेंटली करनी चाहिए। मसलन ये कलर्स तो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बस ऐसी ही हूँ। चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? अरे नहीं, मैं जब भी आती हूँ आप लोग ऐसी तकल्लुफ करते हैं। नहीं भाई, तुम हमारी मेहमान हो। अब मैं नाराज़ हो जाऊँगी अगर आइंदा आपने मुझे मेहमान कहा तो। अरे नहीं नहीं, आप नाराज़ ना हो, हम आपको मेहमान नहीं कहेंगे। आपके भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छा है, मेरा तो सब कुछ यही है। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने काबिल हैं। इन्होंने हमारे काम में हमारी बहुत हेल्प की, हमें बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए। इसे समझाओ बेटा कि ये अपने आप को भी मशवरा दे, किसी को ले आए इस घर में। आप हाथ धोकर इनकी आज़ादी के पीछे क्यों पड़ गई? बस बहुत हो चुकी आज़ादी, अब थोड़ी उम्र कैद भी हो जानी चाहिए। तुम हमारी इस मामले में मदद करो ना। आपको शायद कोई और बात नहीं कर। जम्मे तुम चुप करो, पता नहीं शादी के नाम पर तुम्हें चिढ़ क्यों है। आपा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। अरे आप भी शामिल हो गए इनके साथ। भाई मुझे तो ये मालूम है कि आपा जो भी कहेंगी वो आपकी भलाई के लिए ही होगा। देखा मेरी बच्ची ने किस तरह से मेरी बात मान ली, अब तुम्हें इसकी बात रखनी पड़ेगी। हाँ अब तो मैं चाय बना के लाऊंगी, ठीक है? तो मैं आपको बता रही थी, ये कलर ब्लू ग्रे आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। आपको डार्क ग्रे और ब्लैक इस तरह के कपड़ों में रहना चाहिए, और आप कोई अच्छा सा सूट पहनिए, आप बहुत हैंडसम लगेंगे, और भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे। बेटे कल ले मेहनत, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, डंड लगाने से कुछ नहीं होता। अबे डंड लगाने से बच्ची मिल जाती ना तो आज हमारे पास 15-15 बच्चियां होती। अबे हाँ यार, बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है बहादुर। अबे यार लाइफ में कुछ खिचड़ी सी पक गई है, हर तरफ लफड़े लफड़े। अबे मुझे तो तुम सबकी शक्लों से सख्त नफरत होगी, मनुष्य शक्ल है तुम सबकी। अबे यार मेरी शक्ल से तुझे नफरत क्यों हो रही है? अबे मैं तो खुद तेरी लाइन में खड़ा हो गया हूँ। अबे देख नहीं रहा कब वो मोटे का बच्चा बतूल को ले उड़े हैं। अबे बहादुर, अबे यार मैं तो कहता हूँ अपन दोनों मिलकर ना नाकाम आशिकों की यूनियन मना लेते हैं। अबे मोहल्ले में निकल के नारे लगाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, अबे शादी आदि नहीं पूरी करो हमारी। अबे इसी में बचत है वरना मारे जाएंगे, समझा? अबे मारे तो तब जाएंगे ना जब हम में कुछ होगा, मुझ में तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं कहाँ से मारा जाऊंगा। अबे यार बहादुर तू उसे देख रहे है? अबे यार ये अपने मामू की खिचड़ी कैसी जबरदस्त पक रही है, अबे फुल टाइम मसालेदार है। अबे क्या शेफ निकला ये मामू का बच्चा आए। अबे यार लेकिन तुझे मामू की खिचड़ी में मामू की तरफ से नमक कम नहीं लग रहा जरा? अभी कहाँ से चेक करूँ, अपन के तो मुंह का जायका ही खराब हो गया, अपन को तो कुछ समझ नहीं आ रही, फीका ही लग रहा सब कुछ। अबे यार तू मायूस क्यों हो रहा है भाई? अबे फाइटर बन फाइटर अपन की तरह। अबे ये तेरे मशवरे में तब देखूंगा ना जब बतूल की शादी हो रही होगी किसी और के साथ, तब तुझे याद कराऊंगा कि बेटे फाइटर बन फाइटर। अबे यार मामू के बारे में बात कर रहा हूं यार, तू तो मेरे पीछे पड़ जाता है हर बात पे। तो मामू की कौन सी कोई औकात है? अबे यार जब सच्ची मोहब्बत मिल जाए ना
अबे यार वो कोई औकात वौकात नहीं देखती समझा। अबे इसलिए बोलता हूँ फाइटर बन, फाइटर अपन की तरह। तो क्या करूँ, तलवार निकाल लूँ अपनी? अबे तलवार मत निकाल, तू वो निकाल आइडिया। अबे ताके बतूल तो बच जाए कम से कम यार मेरे लिए। अबे भाड़ में जा तू भी और बतूल भी। अच्छा और वो समर और वो जो मामू बैठे नीचे हंस रहे वो भी भाड़ में जाए? अबे मेरी तरफ से तो तुम सभी भाड़ में जाओ भाई, मेरा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल लो बात अपुन की तो सोलो एंट्री कर दी है तुमने। भट्टी भट्टी मैं तंग आ गई रोटियां बना बना के, और मेरा मुंह भी दीवार की तरफ हो गया है राशन ला ला के। तूने क्या क्यों नहीं देती के दफा लो जाए यहाँ से। भट्टी वो तेरी फैमिली, तू उसे कह दे। वो तो तेरी वो कुछ नहीं लगती। भट्टी तू कहना क्या चाहता है? वो तेरी भी तो नंद है। वो तेरी बहन? अरे क्या क्या नहीं सुनाया उसने मुझे। वो तेरी बहन ना ना होती तो छत देख रहे वहाँ से नीचे गिरा देती उसे। मेरे से शर्त लगा ले, उसे धक्का दे के देख ले, वो सीधी पंजों के बल आएगी। ये औरत ना होती तो बिल्ली होती। भट्टी और वो उसका लौंडा, अल्लाह माफी बतूल के आगे पीछे आगे पीछे। ओए मुझे तो डर है वो बतूल कहीं अपना या उस रीच का नुकसान न कर दे। ओ आहिस्ता बोल, मोहल्लेदारी का मामला है, तेरी वजह से मजीद बदनामी हो जाएगी। भट्टी आगे बड़ी चुप रहने से निकनामी हो रही है। ओए कुछ सोचो, ये क्या कर रहे है? सोच रहा हूँ मगर मुझे अब्बा मरहूम का ख्याल आ जाता है। हाँ जी अब्बा तो मरहूम हो ही गए, ये लोग हम लोगों को भी मरहूम करके ही निकलेंगे यहाँ से। भट्टी ये क्या कर रहे तू? अब इतनी आसानी से ये लोग जाने वाले नहीं है, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अब क्या हल निकालूं। हमारे बिस्तरे तो बाहर आ ही गए, घर भी बाहर ले लेते, इनको इधर ही रहने देते, बेशरम ये तो यहाँ से निकलेंगे नहीं। अब खुदा के लिए मुझे वो राशन की पर्ची ना पकड़ा देना। उस जिनका मुंह बंद हो तो तुम्हें पर्ची ना ना पकड़ाऊं है? उस मोटे को देख कर तो फ्रिज सहम जाता है और तवा काली काली गालियां देता है जब मैं उसके लिए रोटी बनाती हूँ। और तुम्हारी बहन अपने उस मोटू से ब्याहने चली मेरी बेटी को। हाय मुझे तो लगता है बतूल के कुल भी किचन में होंगे। बिल्कुल होंगे अगर शादी हो गई तो। मैं कब कह रही हूँ कि इधर ही हो, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर होगी तो। वो अगर मगर छोड़, मैं तो 10 जूते भी ना मारूं तो रिश्ते की बात कर रही है। बट्टी ये सोचो ये जाएंगे कैसे? अल्लाह कोई ना कोई हल निकालेगा। ये क्या कर रहा है? हाय हाय मुझे कुछ सोचने दे। भट्टी बस तू सोचती ही रहना और मैं रोटियां बना बना के थक जाऊंगी और रोटियां फाड़ते रहेंगे वो। समन किसी और की कैसे हो सकती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। मरियम, मरियम तो मेरी जान है, दुनिया में सबसे प्यारी बेटी है वो। लेकिन कभी आपने कुछ बताया ही नहीं उसके मुताबिक। समझने की कोशिश करो, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। तो मैं तुझे क्या आसानी में नजर आ रहा हूँ? बिट्टे अब तू जान और मामू जान, अब मुझे बीच में मत लाओ तुम। अरे कबीते ये कैसे हो सकता है? कहा चम्मा और कहा मैं, और तेरा क्या ख्याल है कि समन मुझ जैसे खूबसूरत नौजवान को छोड़कर उस चम्मे के पीछे जाएगी? उस चम्मे के पीछे जाएगी? माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, खुदा के वास्ते माफ कर दो। तुम माफी के काबिल नहीं है, तेरी आज कब बख्ती है? तूने मुझे इतनी बुरी खबर सुनाई है, खबर सुनाई है। समन किसी और के साथ, मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही। लेकिन भाई मैंने जो देखा है वही तो बता रहा हूँ, वाकई समन और चम्मा एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। अबे अबे कितने करीब आ गए, कितने करीब आ गए बता मुझे, कितने करीब आ गए, कितने करीब आ गए बता मुझे। मेरे अंदर आग लगी हुई है। आग तो मेरे अंदर भी उसमें बहुत लगी थी ना देख कर, लेकिन भाई आपका हुक्म नहीं था, वरना मैं उन दोनों को उधर ही खलास कर देता। तू समन पर हाथ उठाएगा, तू समन पर हाथ उठाएगा, तू है मैं तेरा हाथ रख काट दूंगा।
इसलिए तो भाई मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अरे कुछ नहीं कहा मैं? अरे कुछ नहीं कहा, बेड़ा गर्क कर दिया तूने मुझे ये बताकर कि समन जो है वो चम्मे के साथ घूम रही है, हैं? अबे तूने ठाकुर को अंडर एस्टिमेट किया है। अगर किसी को ये पता चलेगा कि ठाकुर की समन चम्मे के साथ घूम रही है तो ठाकुर की क्या इज्जत रह जाएगी। गलती हो गई भाई, अब ऐसा से ऐसा नहीं होगा। अबे समन की चाहत में मैंने अपने आप को बदल डाला। अबे शरीफाना जिंदगी गुजारने का सोच रहा हूँ मैं। तो भाई हम कब चाहते हैं कि आपकी समन किसी और के साथ घूमे फिरे, आखिर हमने भी तो आपका नमक खाया है ना। अब गोली ना खा लेना मुझसे। और अगर ऐसा हुआ ना फिर देखना इस चम्मा को मैं अम्मा कैसे याद दिलाता हूँ। वो चम्मा तो आपका पुराना दोस्त है ना। अबे उसकी हैसियत चम्मन के सामने दो टकेगी है, उसका तो मैं वो अशर करूँगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा। और वो समन का? अबे फिर समन अबे इज्जत से नाम लिया कर उसका, तेरी होने वाली बाबजे तेरी होने वाली। और हाँ, उसका क्या करना और क्या नहीं करना इसका फैसला ठाकुर करेगा। और आज के बाद समन के बारे में मुझे कोई गलत बात बताई ना तो देखना मैं तेरी क्या हालत करूंगा। खबरदार जी, मुझे कभी उसके बारे में कैसी बात बताई तुम्हें। निकल यार, तू भी निकल। समन किसी और की कैसे हो सकती है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अरे 5 हो गई। ओए जारी रख, अभी तक तो बात मंगनी तक नहीं पहुंची, तू तो यहाँ शादी करने आया है। इतना ना करा नहीं, बीच में थोड़ा थोड़ा तो वक्फा दे ना, मैं थोड़ा सा कुछ खाना हूँ। सुबह से 4 रोटियां खा चुका है तू, पहले वो तो हजम कर ले। वो तो हो गई हजम। तो फिर हलाल कर, 5 बैठ के और लगा, चल। इन बैठकों को मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? फिजिकल फिटनेस गेंडे, तेरी गारंटी चाहिए, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अगर तुझे कुछ हो गया गोया वो तो राशन की बर्बादी का आखिरी दिन होगा, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। मुझे कुछ नहीं होगा। पहले साबित कर फिर मानूंगी, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, चल शुरू हो जा। क्या मुसीबत है? ये क्या हो रहा है? तेरी शादी की तैयारी हो रही है। शादी की तैयारी? शादी किसी अखाड़े में हो रही है क्या? वो ये रानी कह रही थी कि फिजिकल फिटनेस। रानी ये क्या कर रही है तू? और चुप कर, चल शुरू हो जा बेटे। क्या मुसीबत है? चलो 6-7। रानी ये क्या कर रही है तू? तू तो चुप कर, पीछे हट बेटे। हां सुन मेरी, देख तू मेरी बहन है, हालांकि मैं कज़ाब से गुजरी, तूने मेरा दिल भी तोड़ा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना तेरी मदद की जाए। हाँ ओए तू क्यों रुक गया, चल शुरू। रोनी से कुछ हो गया तो हो जाए, मर जाए, दफा हो जाए, ये लोग ऐसे नहीं जाने वाले यहाँ से, समझी तू? लेकिन यार फिर भी। और लेकिन कुछ नहीं, चुप कर, इसे फूल बनाते हैं, ठीक है? ओए बोटे, बतूल से शादी करनी है? वो तो करनी है। बस तो फिर उठक बैठक जारी रख और कान खोल के सुन ले, शाम तक तू कुछ नहीं खाएगा। हाँ क्या? फारसी नहीं बोल रही मैं, बोल, मंजूर है? मुश्किल है। बस तो फिर शादी भी नामुमकिन है, भाग जा यहाँ से, अपने बाप समेत भाग जा यहाँ से। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस तो फिर शाम तक मैं तुझे कुछ खाते ना देखूं, समझे? समझ गया। चल धुड़की लगा यहाँ से और भाग जा अपने बाप के पास, चल। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बल्कि सांड आया पहाड़ के नीचे। वैसे दाद देती हूँ तुम्हारे दिमाग की, ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया?
क्योंकि ये आइडियाज ना सिर्फ अकलमंदों के जहन में आते हैं और तेरे जहन में तो सिर्फ नवाब सवार है। ये नवाब बीच में कहाँ से आ गया? तुझे याद दिलाने के लिए कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया और तेरी ये प्यारी बहन तेरे साथ क्या कर रही है। अंडरस्टैंड? तमीज से बात करो अमजद, भट्टी अब मेरा शौहर है। हाँ, इसी बात का तो रोना बिलकीस कि अब भट्टी तेरा शौहर है। बात सुन, बड़ा जुल्म हुआ। वहीं बैठो, चलो। बिलकीस, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया बिलकीस, बड़ा जुल्म हो गया। देख, तेरे इंतकाम में मैंने रुकैया से शादी की। कसम अल्लाह पाक की, जब वो चलती ऐसे लगता या तो कुल्फियों की रेड़ी जा रही या फिर व्हील चेयर जा रही हो। ओहो, जिस शर्म करो, अब वो तुम्हारी बीवी है। अब वो मेरा इंतकाम है। ये क्या पुराने किसे ले बैठे हो हर बार की तरह, यहाँ से दफान क्यों नहीं हो जाते? हाय बिलकीस, तू तो सब कुछ भूल गई, तुझे याद ही नहीं मैं छत पे खड़ा होकर तुझे कंकरियां मारा करता था। किंकरियां नहीं, एक एक पाव के पत्थर होते थे वो। और फिर भी तुम खा लिया करती थी। अभी इतना बड़ा पत्थर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? रोए सुखन मेरे बेटे की तरफ। देख बिलकीस, मैं चाहता हूँ तेरी बेटी मेरे घर में आ जाए, इसलिए कि तेरे और मेरे प्यार की कोई तो निशानी हो मेरे घर में। कौन सा प्यार, कौन सी निशानी? तू वाकई मेरा घर तबाह करके छोड़ेगा? मैं तो घर आबाद कर रहा हूँ अपने बेटे का। तू मेरी बेटी का जनाजा पड़वा रहा है और ये मैं नहीं होने दूंगी। होगा, ये जरूर होगा। क्या लिया, जिस तरह भट्टी ने मुझे बर्बाद किया उसे भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। ये मेरी जिंदगी का मिशन है। कैसा तू बेशरम है, मेरे सामने मेरे बर्बाद होने की बात कर रहा है। अरे बावली हो गई क्या, मैं तेरी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो उस भट्टी की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं समझ रहा, भट्टी मेरा शौहर है। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चला जाओ। बिलकीस, बिलकीस हाथ मत जोड़, रिश्ता जोड़ रिश्ता, बल्कि दिल जोड़। मैं तो कहता हूँ कि थोड़े बहुत पैसे भी जोड़। बस कर दे, पता नहीं तू किस ढीट मिट्टी का बना हुआ है। तो मुझे यहाँ से, तू क्या मैं ही हो जाती हूँ। सुन, अरे बात सुनियो, अरे बिलकीस मेरी बात तो सुन। बिलकीस ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती। हाँ, एक दफा ये मेरी बात सुनने खड़ी हो गई थी, फिर मुझे से नहीं सुनाई गई, मैं घबरा गया। हेलो, मुझे कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं। कबूतर बहुत मासूम होते हैं, शायद इसीलिए अमन का निशान भी है। लेकिन इन्हें इस तरह से कैद नहीं रखना चाहिए। ये नवाब और बहादुर का शौक है। शैतान लड़के हैं दोनों, लेकिन अच्छे भी हैं। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। मरियम, मरियम तो मेरी जान है, दुनिया में सबसे प्यारी बेटी है वो। लेकिन कभी आपने कुछ बताया ही नहीं उसके मुताबिक। आपने कभी पूछा ही नहीं? नहीं। अच्छा चलें, अभी पूछ लेते हैं, कभी उसके बाप से भी मिलवाइए। मरियम का बाप ज़रूर है वो, लेकिन अब मेरा शौहर नहीं है। सॉरी। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं, आप इसकी वजह थोड़ी हैं। शायद मुझे आपसे आपकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आपने इतनी अपनायत से पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर कब तक सोचते रहोगे, कुछ करो भी, वो घर में बैठे हुए डेरा डालकर। अबे तो थोड़ा टाइम मांगता है ना यार, प्लानिंग के लिए थोड़ा वक्त तो देना। वक्त ही तो नहीं है। तो क्या मैंने फिर कहा था कि उस संडे के घर पे जाके दो दिन के लिए ठहर जा? अब इन बातों का भी वक्त नहीं है नवाब। अबे तेरे पास तो उन बातों का भी टाइम नहीं है भाई। बकवास ना करो, काम की बात करो। अबे अच्छा चल ये बता कि तेरे फूफा का कोई पुलिस रिकॉर्ड है? अरे ओ, वो घटिया जरूर है लेकिन चोर वोर नहीं है। अच्छा 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 ये बता, मोहल्ले की किसी औरतों को भी छेड़ा उसने? नवाब मैं तेरे पास किसी और बात के लिए आई हूँ, उनको भगाने का कुछ सोच। बस तो फिर सोच लिया। क्या? अबे यही कि तेरे पप्पा से मैं खुद मिलकर बात करूंगा। अबे कमबख्त, ये हल सोचा तूने? तू हमारा घर पर बात करना चाहता है? तुझसे बेहतर तो वो रानी है जिसने उस सांड का सुबह से खाना पीना बंद कर रखा है। अरे चल ये बात है तो देखता हूँ। ये बता, वो अभी घर पे ही है ना? हाँ। बस ठीक है, तो फिर तू भी घर जा और आराम से सो जा।
तू क्या करेगा? अबे फिक्र मत कर, अब उनको जैसा करूंगा कि अपने सर पर पांव रख के भागेंगे तेरे घर से। देख नवाब, कुछ ऐसा वैसा मत करना कि कोई नई मुसीबत गले पड़ जाए। अबे कुछ नहीं होगा मेरी जान, तू देखती जा ये नवाब करता क्या है। चल तुझे पैदल घर ड्रॉप कर देता हूँ। पैदल घर ड्रॉप कर देता हूँ? अबे चल ना। लो कल्लो बात, अब क्या मैं तुम दोनों का मुश्तरका नौकर हूँ जो तुम दोनों के बीच में पैगामबाजी करूँगा? अपना SMS पैकेज खुद तुम दोनों एक्टिवेट नहीं करा सकते क्या? समझने की कोशिश करो, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। तो मैं तुझे क्या आसानी में नजर आ रहा हूँ? बिट्टे अब तू जान और मामू जान, अब मुझे बीच में मत लाओ तुम। प्लीज बहादुर, तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? लो कल्लो बात, हम दोनों क्या तुम्हारी दूर पार की मासियां हैं? नहीं नहीं, तुम दोनों तो हमारे अपने खास हो। अबे लल्लू मत बनाओ हमें। अबे खास तो वो मामू है, चम्मा मामू, जिसे आजकल तुम बड़ी डेटे मार रही हो। पर अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहा ना। अब तो तुम्हें अल्लाह ही उठाएगा इंशाल्लाह। जो तुमने इस गरीब के दिल पे ज़र्बे लगाई है ना बेटे, देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वैसे बड़ा ही कमीना है तू, एक छोटा सा काम नहीं कर सकता मेरा? अबे छोटा मोटा काम हो तो मैं यूं कर दूं यूं, पर ये नहीं करना मैंने। देख तू बतूल का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? देख अगर तू मेरी मदद करेगा ना तो मैं तेरी बतूल से दोस्ती करवा दूंगी। बतूल? अबे उस कमीनी का तो तू नाम ही मत ले मेरे सामने। इतना भी ज्ञान गुजराम नहीं हूँ कि वापस मुड़ के देखूंगा। बेटे आज भी अपन की बड़ी वैल्यू है, एक सीटी बजाऊ ना तो 10 बच्चियां यूं इकट्ठी हो जाएंगी इर्द गिर्द कि भाईजान यहाँ सीटी किसने बजाई है। बहादुर नाम है अपन का, बेवफाई का सामना बहादुरी से करूंगा मैं। अच्छा ठीक है, जो भी करना है करते रहना बहादुर किसान। अभी ना मेरा एक छोटा सा काम कर दे, अगर चम्मा जी घर पे हैं तो थोड़ी सी बात करा देना मेरी उनसे। अबे बड़ी मरी जा रही है तू चम्मा से बात करने के लिए? लेकिन बच्चू इस वक्त वो किसी और से बातें कर रहा है। किससे बातें कर रहे हैं? अबे अपन क्यों बताए तेरे को, तेरे कलेजे में आग नहीं लगानी मैंने। बातें तो कर रहा है, इधर से नजर आ रहा है मेरे को, क्या हंस हंस के मजे ले लेके बातें कर रहा है। फोन बंद कर दिया। किससे बातें करते चम्मा जी, पता लगाना पड़ेगा मुझे। मेरी बहन ने उस शख्स से कोई सुख नहीं पाया, उसे अपना नशा करने से ही फुर्सत नहीं थी। How sad. बस फिर उसके बाद मैंने ज़िंदगी का मकसद अपनी बहन का साथ देने को बना दिया, और आज मैं खुश हूँ कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बात सुन, तूने बतूल से शादी करनी है या हलवा खाना है? शादी करनी है। तो फिर खबरदार, अगर तूने हलवे का नाम लिया, कमबख्त मारा। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है आपने। हाँ बहुत कठिन वक्त गुजरा, गाड़ियां धोने से लेके मजदूरी तक, फिर साथ में पढ़ा भी, बहन का साथ भी दिया, बहादुर और नवाब का ख्याल भी रखा। इतने सारे काम एक साथ कैसे किया आपने? जब वक्त मुश्किल होता है ना तो काम किए नहीं जाते, हो जाते। सही कहा, उनके फादर ने आपकी कोई हेल्प नहीं की? नवाब और बहादुर के? वो तो बहुत पहले ही साथ छोड़ गया था, बल्कि साथ क्या दिया, मेरी बहन ने उस शख्स से कोई सुख नहीं पाया, उसे अपना नशा करने से ही फुर्सत नहीं थी। How sad. बस फिर उसके बाद मैंने जिंदगी का मकसद अपनी बहन का साथ देने को बना दिया, और आज मैं खुश हूँ कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बज़ाहिर आम से दिखने वाले लोग एक्चुअली कितने बड़े होते हैं। आप मुझे बड़ा आदमी कह रही हैं। इंसान दौलत से नहीं, किरदार से बड़ा होता है। ठीक कह रही। अच्छा एक काम आपने मेरा भी करना है। मरियम ने मुझसे कहा था कि उसे कोई
कंप्यूटर गेम्स, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ खरीदना है, मुझे तो ऐसी बातों का कुछ इल्म नहीं है। आप ही थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मुझे भी इतना पता नहीं है। मुझसे तो ज़्यादा ही पता होगा। आप बिजी तो नहीं हैं अभी? नहीं नहीं। तो फिर चले। ओए, ये तू क्या कर रहा है? वो बाजी, वो मेरा ना वो 5 रुपए का सिक्का यहीं की गिर गया था, उसको ढूंढ रहा था। ये तेरे हाथ में सेब है, हैं? है ना तेरे हाथ में सेब? बाजी, मैं वो खा तो नहीं रहा था, सूंघ रहा था। बाजी, वो फ्रिज में थोड़ा सा हलवा पड़ा हुआ है, वो तो ला दो। जहर है तेरे लिए। बात सुन, तूने बतूल से शादी करनी है या हलवा खाना है? शादी करनी है। तो फिर खबरदार, अगर तूने हलवे का नाम लिया, कमबख्त मारा, फ्रिज के पास जाता है, फ्रिज खौफ के मारे सहम जाती है। गजा का ड्रैकुला। बाजी, शाम को तो खा सकता हूँ ना? हाँ, शाम को ठीक है, एक रोटी खा लेना। एक रोटी? हाँ, और वो भी आधे घंटे में खत्म करनी होगी तुझे। बस 5 मिनट बाद तो मैं खुद खत्म होने वाला हूँ। अब शादी के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना अल्लाह मियाँ की गायें। याद रख, अगर तूने शाम तक कुछ खाया ना तो ये शादी नहीं हो सकती। और तुम मुझे नहीं जानते, मैं बंदे को जहर भी दे देती हूँ। जहर? हाँ, और मेरे दिए हुए जहर से बंदा खुद नहीं मरता, भूख से मर जाता है। बाजी, मुझे ऐसा जहर ना देना। वैसे अगर तुमने वो जहर देख लिया ना तो तुम वो भी खा जाओगे, और मुझे तो ये भी डाउट है उस जहर का तुम पे कोई असर होगा भी या नहीं। अब मुझे तुम्हारा मुंह चलता हुआ नजर ना आए। चलो निकलो यहाँ से। इतनी कड़ी आजमाइश, वैसे अगर मैं भूख से मरने लगूं तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर दे देना बाजी। ओए, इधर ही है हम लोग सब, तसल्ली भी देंगे, हौसला भी देंगे। मरो यहाँ से, अब जाओ यहाँ से। ठीक है। ओए, इसे दो मुझे। बाजी, मैंने सूंघना था। और मैं सूंघती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। रुकैया, खुदा तुम्हें नजरें बंद से बचाए। सातवीं प्लेट खा रही है, सातवीं। अरे बड़े मजे के बने हो, चुप कर। बड़ी खुश खुराक होती जा रही है तू। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरी जिंदगी, मेरा बेटा। इधर मुंह कर, इधर मुंह कर बेटा, बेतहाशा मुंह इस तरफ कर मेरा लाल। अबा, मुझे भूख नहीं है। रुकैया, ये हमारा ही बेटा है जिसे भूख नहीं। आज सूरज कहाँ से निकला? अरे बेटा, थोड़ा सा कुछ खा ले। काले बेटे, ये तेरे होने वाले ससुर का माल है। अरे ससुर का नहीं, मामू का। दो चार नवाले ले ले बेटा। अम्मा, तू यकीन नहीं करेगी, मैंने काफी देर से कुछ नहीं खाया लेकिन मुझे भूख नहीं है। रुकैया कुछ कर ले, रुकैया कुछ कर ले। अब इतना बड़ा झूठ मुझसे हजम नहीं हो रहा, पता नहीं ये खाया भी मुझसे हजम होगा या नहीं होगा। अरे बेटा, थोड़ा सा तो कुछ खा ले। लो भाई, हम तो माले मोस्ट दिले बेरहम करेंगे। अब क्या नतीजों की तरह देख रहा तू, नजर लगाएगा बाप को। अब खाना तो खा ले थोड़ा सा। भूख नहीं। अब तू तो खाने के बाद 1.5 पाव चूरन खा जाता, तुझे भूख क्यों नहीं लग रही? मुझ पे तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। बासुन में, बासुन थोड़ा सा खा ले। अब्बा खाना, अब्बा का बच्चा। अब्बा मैंने नहीं खाना। हाँ हाँ, अभी आपके बेटे ने हलवा खाया, क्यों खाया है ना? हाँ। क्यों बे, तू तो कह रहा था मैंने कुछ भी नहीं खाया, तू तो सच के साथ सच भी खा जाता। असल में ना ये डाइटिंग कर रहा है, कहता है कि मैंने ना इफ्तिखार ठाकुर बनना है। क्यों बे, इफ्तिखार ठाकुर बनेगा? वो तो बिल्कुल एक्सरे है, एक्सरे बनेगा तू। हाँ बस ठीक कह रही है। अच्छा बात सुन बे, इससे बतूल पे अच्छा असर पड़ेगा। सुन लिया ना, अब शाम तक कुछ नहीं खाना, समझे? समझिए। बासुन बच्ची, ये तो खैर कुछ नहीं खाएगा, हमारे लिए जरा थोड़ी सी ग्रेवी भिजवा देना, वो जो कोरमा बना हुआ, बादामी कोरमा। चल
जल्दी लेके आ, भिजवा दीजो। अबे अब तो चलेगी, थोड़ा सा खा ले। नहीं अब्बा। ला ला ये सारा सामान, मुझे पकड़ा। हरगिज नहीं। क्यों? इतनी दूर से ला सकती हूँ तो घर तक भी ले जा सकती हूँ। इतनी दूर से ला सकती हूँ तो अगर यहाँ से सारा सामान उठाकर मैं तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा तो क्या क्यामत आ जाएगी? मैं पूछता हूँ, इसमें हर्ज क्या है? मैं हैरान हूँ आगा कि तुम्हें इतनी जुर्रत आ कैसे जाती है। अरे पगली, मदद के लिए जुर्रत की नहीं तो अपनाइयत की जरूरत होती है, अपनाइयत की। बस सुनो आगा, तुम मुझे मोहल्ले में रुसवा करोगे ये मदद करके? मुझे मदद नहीं चाहिए, चलो हटो आगे। ये तुम्हारा ख्याल है। बात सुनो, चुपचाप चले जाओ वरना मैं मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। मोहल्ले को इकट्ठा करोगी और ये बताओगी कि देखो आगा गुलफाम मेरी मदद कर रहा है? जबरदस्ती है। हाँ भाई, आज तो जबरदस्ती है। ये सामान में ले लाओ, मुझे पकड़ाओ। इतना वजनी सामान उठा के और इतनी दूर से चली आ रही है, हद होगी तेरे भाई। सामान तेरा इतना वजनी उठा के खुद आ रही थी, अब पता ये सामान यहाँ तक ले आया तो भला कौन सी कयामत आ गई? आगा ये हरकतें बंद कर दो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे गेथी कसम अल्लाह पाक की, भाई आसान तो मेरे लिए भी नहीं है लेकिन सच दिल लगी की बात कह रही हूँ कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ए गेथी, अरे शुक्रिया अदा नहीं करेगी मेरा? किस बात का शुक्रिया? मैंने कहा था तुम्हें मदद करने के लिए। अरे एक दफा कह के तो देख ले। ये फिल्मी डायलॉग बंद करो, हमारी उम्र नहीं है ऐसी हरकतें करने की। हरकतें? किसी को चाहना, किसी से मोहब्बत करना, ये कोई मकरूह अमल नहीं है, यही तो इंसानियत की बका है। याद रख गेती, जिस दिन दुनिया से मोहब्बत चली जाएगी कायनात फूल उगाना बंद कर देगी, आसमान पे कौसो कसा के रंग मध्यम पड़ जाएंगे, दिन का उजाला अंधेरों में बदल जाएगा और फिर ये मोहब्बत ही तो है जो इंसानियत को लाठी बनकर रास्ता दिखाती है। ये हर वक्त चाहिए, हर उम्र की ज़रूरत है गेती। आगा मुझे तुम्हारे इस फलसफे से कोई गरज नहीं है, खुदा के लिए ऐसा मत किया करो। ये मेरे बस में नहीं है गेती, खुदा के लिए मेरी नीयत पे कभी शक मत करना, मैं खुलूस दिल से तुम्हें चाहता हूँ गेती। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में लोगों की बातें सुनूं। अब इससे पहले कि नवाब और बहादुर यहाँ आ जाएं घर पे, तुम चले जाओ। नवाब और बहादुर को मेरा यहाँ से आना जाना इतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा तुम्हें लगता है। जाओ। ठीक है गेती, चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि एक ना एक दिन तुम इंतहाई खलूस नीयत से मेरे लिए ये दरवाजा जरूर खोलोगी। ये मोहब्बत भी क्या चीज है, एक अच्छे खासे शिकारी को नौकर बना दिया। अबे मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा कमबख्त, अगर अजराए हमदर्दी किसी का सामान उठा के उसके घर छोड़ाया एक मोहल्लेदार की हैसियत से हैं, तो ये क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया? ओ मैं तो मजाक कर रहा हूँ आगा जानी, वैसे आपकी मोहब्बत रंग लेकर आ रही है। अच्छा, अगर आप एक काम करें ना तो बहुत इज्जत हो आपकी। अच्छा भाई वो क्या काम? वो रानी और चम्मे की मंगनी टूट गई है और हंगामा भी बहुत हुआ है, लेकिन रानी बदजिद है कि मैंने चम्मे से शादी करनी है। लेकिन ये तुझे किसने बताया? मुझे रानी ने टेलीफोन पर रो के खुद बताया है आगा जान। हा? अगर ये आप सारा मामला हैंडल कर लें, चम्बे और रानी की शादी करवा दें तो आपकी मोहल्ले में बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अभी तो मामला बहुत बुरे तरीके से उलझ चुका है भाई, और गेती को सलीम के इस रिश्ते के ना होने का बहुत दुख है। इसी दुख को तो दूर करना है, ये सारी सिचुएशन आप अपने हाथ में ले लीजिए, अच्छा खासा सीन बन जाएगा और हर जगह आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, लेकिन
दिलबर देख लेना यार, ऐसा करने से कहीं ऐसा ना हो कि जो रही सही सलाम दुआ है उससे भी जाते रहे। आगा जानी, ये काम छोटा नहीं है, ये काम जो भी करेगा बड़ा हो जाएगा, खास तौर पे गेती की नजर में। लेकिन लेकिन ये कोई काम करेगा कैसे? आगा जानी, तरीके तो बेपनाह है, लेकिन ये बैठ के कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा? लेकिन ये सोच के लिए एक शर्त है कि मैं आपके घर जाऊँ और वहाँ बैठ के सोचे और आप मुझे एक अच्छी सी चाय पिलाएं। ठीक, इस दफा जो तुझे चाय पिलाऊंगा कसम अल्लाह पाक की, ऐसी लजीज ऐसी लजीज ऐसी लजीज, इस चुटकी की तरह चुटकी भर संखिया भी डाल दूंगा उसमें। टू मच। ओए, व्हाट है? इधर आ। अबे अबे इधर ही देख, तुझे ही बुला रहा हूँ निजाम सक्का की मश्क। इधर आ। शाबाश, खोल। अबे दरवाजा तो खोल। जी भाईजान, कौन है? अबे मैं कौन हूँ से छोड़, ये बता बिरयानी खाएगा गरम गरम? हो कौन तुम? अबे मुझे छोड़, मेरे चक्कर में पड़ेगा ना तो देख खत्म हो जाएगी। मोहल्ले में गरम गरम बिरयानी की देख पड़ रही है, खाएगा तो चल। बिरयानी? पर वो रानी ने मना किया कुछ भी खाने से। अबे मोटे पास तो देख पड़ रही है, वहां कौन आके तुझे देखेगा यार? अबे 10 मिनट की बात है, आगे खा ले बिरयानी। खानी तो है, लेकिन तुम कौन हो पहले तुम ये बताओ ना। अबे मैं नेकियों का फरिश्ता हूँ, आसमान से खाना बरसाता हूँ बस। अबे बालू के बच्चे, चला चल वरना खत्म हो जाएंगे सारे चावल। अबे वहां क्या देख रहा है वो? मैं कमीज पहन लूं? अभी तो नंगा है क्या? नहीं, अभी मैंने शर्ट पहनी ना, वो लंबी वाली कमीज पहनूंगा तो उसकी झोली में चावल बहुत सारे आ जाएंगे। अब इन बातों में टाइम नहीं जाया करते बेटे, चला चल मेरे साथ, बिरयानी ठंडी हो जाएगी, चल आ जा। अबे आ जा, गेट पूरा खोल, फंस जाएगा यहाँ पे। मरियम, मरियम, कम हियर, कम हियर, कम हियर। हेलो मेरा बच्चा। हेलो। हेलो अंकल। बेटा, हेलो, ये आपके लिए। आपको पता है स्पेशली आपको शॉपिंग कराने के लिए अंकल आए हैं। वाकई? आप जल्दी से तैयार हो जाएं चलने के लिए। अच्छा मैं सोच रही थी क्यों ना एक कप चाय का हो जाए बिफोर द शॉपिंग ट्रिप। इसकी क्या जरूरत है? बिलीव मी, दो लड़कियों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, आपको चाय की जरूरत पड़ेगी। आइए ना प्लीज। अच्छा तो आप हमेशा फर्स्ट आती थी, मैं तो नहीं आता था। क्यों? क्योंकि आपकी तरह ज़हीन नहीं था ना। आप इतने बड़े थे और आप फर्स्ट नहीं आते थे। हमेशा बड़ा थोड़ी था, पहले आपकी तरह छोटा सा था मैं। लगते तो नहीं। पहले सब छोटे होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं। हाँ। मामा भी पहले छोटी थी। तो और क्या? जी नहीं, मेरी मामा कभी छोटी नहीं थी। आपको कैसे पता? आपने तो उन्हें देखा ही नहीं था। अभी तो देखा है ना। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आप? जी मैं सलीम, मोहल्ले में रहता हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जी समन लाई हैं। समन, समन बेटा। जी, जी बाबा। अरे ये सलीम साहब हैं, नवाब और बहादुर के मामू। मुझे मोहल्ले में मिले तो मैंने साथ ही ले आई। औरत के लिए यहाँ कुछ भी आसान नहीं। कम से कम आप तो ऐसा ना करें। क्यों? आप तो हिम्मत और दिलेरी की मिसाल हैं। आपको पता है मरियम की चॉइस बहुत अच्छी है, स्पेशली इन कलर्स। हमें उससे पूछना चाहिए। मरियम, 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 अरे मरियम कहाँ चली? मरियम, उसका कौन सा ऐसा दोस्त हो सकता है? पता नहीं, अम्मा हो सकता है या फिर हो सकती है।
नहीं, क्या बकवास कर रहे हो है? अपनी तरह का समझाओ उसे। ओ भाई, हम सब तो घर वाले घर पर थे। वो तेरा हाथी अगर कहीं घास चरने चला गया है तो हमारी जाने बाला। इस 1 करोड़ को निकालने के लिए आप मजीद कितना डाल सकते? क्या मतलब? मतलब सीधा सा है चौधरी साहब, कि जनाब इस 1 करोड़ को अगर आपने निकालना है तो उसमें कितने और पैसे डाल सकते हैं आप?